Okay. Welcome to the show. एक बार फिर खुश आमदीद कहूँगा दिल की हटा रही हूँ से. बात करेंगे, बिल्कुल आपसे ही बात करेंगे. कहीं भी नहीं जाना, आपके पास ही रहना जनाब. अक्सर आपको पता है कि लोग जब भी किसी दोस्त के पास जाते हैं ना, तो उसको अक्सर क्विर की फरमाइश कर देते हैं. अच्छा, अपनी जो फरमाइश होती है वो बड़ी सिंपल सी, सादी सी और मसूमा सी, आला सी फरमाइश होती है. मैं अक्सर कहता हूँ कि यार जो घर का बना हुआ ना, बस वही हो तो चल जाएगा. अच्छा, उसके अलावा लोग जो फरमाइश करते हैं, आप यकीन करें कि ऐसी सी फरमाइश करते हैं जो कि इंसान सोच भी नहीं सकता, जो कि इंसान कहता है कि यार मैं पता नहीं पूरी भी कर सकूँगा कि नहीं. अच्छा, मैं कहता हूँ कि यार नहीं तो ना से यार. देखो, आपकी जो किस्मत में होता है ना, आपको वो मिल के रहना होता है कि जो नहीं है वो नहीं हो सकता. हाँ, चक दे फटे, चल यार होगा कुछ यू. जो कि मैं वो बातें आपसे करना चाहता हूँ जो कि आप उस बात की मुंतजिर हैं. मेरा एक दोस्त था, मुझे वो कहता कि यार एक एक्टर है, उसके साथ उसको यानी कि अपने शो में इनवाइट करेंगे और उसके साथ बातचीत करेंगे और उसके साथ हल्ला गुला करेंगे. अच्छा देखो, हर इंसान के अंदर जो एक एक्टिंग का सीन होता है ना, एक जो टैलेंट होता है वो हर इंसान के अंदर होता है. और कुछ लोग होते हैं जो कि अपने टैलेंट को जाहिर कर लेते हैं, कुछ लोग होते हैं अपने टैलेंट को दबा देते हैं. और जो दबा देते हैं ना, यकीन करो कि वो अपने आप के साथ ज्यादती कर रहे होते हैं. किसी के साथ ज्यादती नहीं करते, वो अपने आप के साथ ज्यादती कर रहे हैं. यार देखो, अगर आपको मौका मिला है तो आप कहीं ना कहीं कुछ करने की कोशिश करो ना. अब ये तो नहीं कि आपको चांस भी दिया जाए और आप करो भी ना और फिर कहो कि यार मुझे कोई मौका नहीं मिलता, यार मैं करूँ क्या फिर. तो ये चीज़ें नहीं होती हैं. अगर आपको चांस मिल रहा है, अगर आपको कुछ करने का मौका मिल रहा है, तो आपको कुछ ना कुछ करना चाहिए. अच्छा, बाज़कात लोग जो है ना, कहीं भी जाते हैं अपने टैलेंट को जाहिर करने के लिए भी, वो फिर अक्सर वहाँ पे शर्मा जाते हैं. लेकिन देखो यार, बात ये होती है कि सिंपल में अगर मैं कहूँ तो वो ये है कि टैलेंट की कदर वही जानते हैं जिनको किसी का एहसास होता है. और जब एहसास नहीं है तो टैलेंट की कदर भी नहीं है. अच्छा, वो इंसान जो कि आपके साथ बहुत प्यार करता है, बहुत आपकी चाहत रखता है, उसके आपके हर टैलेंट की उसको कदर होगी. अच्छा, टैलेंट की अगर हम बात करें, आपको पता है टैलेंट के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि नेगेटिविटी भी बहुत ज़्यादा पिलाती हैं. अच्छा, हर इंसान के अंदर ना कोई एक्टिंग का सीन ज़रूर होता है. वो अलग बात है कि किसी को पता होता है, किसी को नहीं पता होता. अगर किसी को पता है तो वो इस चीज़ के ऊपर काबू कर जाता है, अगर किसी को नहीं पता तो वो उसको जो है ना कभी भी जान नहीं पाएगा. मैं कहता हूँ कि अगर आपको पता है ना कि आपके अंदर कोई टैलेंट है, यार उसको ज़ाया मत करो. आज हम टैलेंट के ऊपर बात कर रहे हैं. देखो कि आई एम स्पेशल पर्सन बट माई टैलेंट, माई प्योरिटी, माई कुव्वत. कुव्वत एक वो चीज़ है. देखिए, कुव्वत जो है ना किसी इंसान के अंदर भी है. जो ताकत होती है ना, ताकत वो ज़रूरी नहीं कि आप जोर लगाएं आपकी ताकत सामने आए. ताकत को किसी तरह भी आप नाम दे सकते हैं, किसी तरह से भी रुतबा दे सकते हैं. तो ताकत अल्हम्दुलिल्लाह मेरा टैलेंट मेरी ताकत है और मैं टैलेंट की इतनी कदर करता हूँ ना. क्योंकि देखिए, जो कदर करने वाला इंसान है वो कभी भी नाकाम नहीं होता. तो यार कोशिश किया करो ना कि एक अच्छे टैलेंट को प्रमोट करने की कोशिश किया करो. जब तुम्हें कहीं अच्छा टैलेंट मिलता है तो उसको ज़ाया ना करो. अगर वो आपके रिलेटिव में है, दोस्तों में है, किसी में भी है. आई रिकमेंडेड कि आपने उसको ज़रूर प्रमोट करना है. आपको हाँ, आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि किसी अच्छी जगह पे उसको प्रमोट करने की कोशिश करें, किसी अच्छी जगह पे उसको पहुँचाने की कोशिश करें. और राइट, एंड उम्मीद करता हूँ कि आप टैलेंट की ज़रूर कदर करोगे. अगर आपको मौका मिल रहा है, अगर आप इस काबिल हैं, तो टैलेंट की कदर करनी आपकी ही जिम्मेदारी है, आपकी और मेरी जिम्मेदारी बिल्कुल है.
और ये नहीं है कि आपको मिल गया और मुझे मिल गया तो मैं उसको अपनी हद तक रखूं। देखो कि जो इल्म होता है, जो टैलेंट होता है ना, ये एक इल्म ही है। टैलेंट को कभी भी कम ना समझे, टैलेंट किसी कमी का नाम नहीं है। टैलेंट एक बहुत बड़ी ताकत का नाम है और टैलेंट के अंदर ऐसी ऐसी चीजें मौजूद है ना यार, कमाल की चीजें है, कमाल का टैलेंट है। ऑलराइट, वेलकम टू द शो। जिन्होंने अभी अभी ट्यून इन किया हुआ है, दिल की अहदा ग्रेस वेलकम एंड खुशामदीद कहूंगा। और उम्मीद है कि जितने भी सुनने वाले हैं बिल्कुल ठीक ठाक मजे में मुस्कुराते खिलखिलाते गुनगुनाते खाते पीते चलते फिरते। उम्मीद है कि जहां से भी ट्यून किया है, गलियों में, बाजारों में, घरों में, गाँव में, शहरों में एंड पाकिस्तान से, पाकिस्तान से बाहर से, जहां से भी ट्यून किया हुआ है, दिल की अहदा ग्रेस खुशामदीद। यल्ला हबीबी अंतर फीके कैफ हालुका अहलन व सहलन मरहबा। ऑलराइट, चक दे बच्चे, जहां से भी ट्यून इन किया हुआ है, आपने या आपके दोस्तों ने या रिश्तेदारों में या फैमिली में सुन रहे हैं या दोस्तों में सुन रहे हैं या अकेले सुन रहे हैं, आपका अकेलापन जो है तन्हाई, हाँ तहनाई मैंने क्यों कहा पता आपको, तानिया नाम मुझे याद आ गया है। तन्हाई में सुन रहे हो ना यार, तो सुनते रहो, आपकी बोरियत को बिल्कुल दूर करूंगा, आपको अकेला फील नहीं होने दूंगा, अकेला मैंने आपको रहने नहीं देना। दो दिलों को जोड़ना जो है ना, एक यू कह लें कि सदका जारिया है और दो दिलों को जोड़ना चाहिए हमेशा। तो हमारी भी कोशिश ये है क्योंकि दो दिल आज एक हो गए हैं। किया है प्यार तो निभाना पड़ेगा, किया है जो प्यार तो निभाना पड़ेगा, रख दिया कदमों में सर नजराना, कबूल कर लो, किया है जो प्यार तो पड़ेगा निभाना, रख दिया कदमों में सर नजराना, कबूल कर लो और कबूल कर लेना आपने। अच्छा, एक दोस्तों की बड़ी खूबसूरत बात है, बड़ी अहम बात शेयर करने लगा हूँ। अच्छा देखो, जब कोई दोस्त दो होते हैं ना, एक दोस्त किसी दोस्त को कहता है कि यार मैंने आज ये चीज़ खानी है, अच्छा वो दोस्त कहता है कि यार नहीं इतना बजट नहीं है या मैं इसके लिए कुछ कर नहीं सकता, यू नो कि वो दिल टूट जाने वाली बात होती है। अच्छा बासकत हो सकता है कि यार वो दोस्त अफोर्ड ना कर पा रहा हो या फिर उसका दिल ना चाह रहा हो, तो वहाँ पर लोग पता क्या कहते हैं, किया है जो प्यार तो पड़ेगा निभाना, रख दिया कदमों में सर नजराना, कबूल कर लो, कर लो कर लो कर लो कर लो यार कर लो, कबूल कर लो। ले जी, आपको कबूल करना पड़ेगा, हमारी आवाज़ को दिल की समातों के बाद कबूल करने का शुक्रिया। और इसके साथ मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, जिंदगी रही तो ये सांसों की जोर चलती रही तो आपसे दोबारा जरूर मुलाकात होती है, सेम प्लेटफॉर्म पे, सेम चैनल, सेम टाइमिंग पे। आपने उस वक्त के लिए कहीं भी नहीं जाना, अगर आप कहीं गए तो मैं आपके पीछे बिल्कुल आ जाऊंगा, क्योंकि देखिए आपसे मुझे इतना प्यार है, इतना मैं प्यार तुमसे करता हूँ कि तुम सोच भी नहीं सकते, तुम्हारी सोच वहाँ पे ख़त्म हो जाती है, मेरा प्यार वहाँ पे शुरू हो जाता है। आपने प्यार को कभी ख़त्म नहीं होने देना, कोशिश करनी है कि इसको शुरू ही रहने देना है। ओके, सो स्टे ट्यून्ड एंड स्टे कनेक्टेड, टेक केयर, बाय बाय, फी मानिला एंड लव यू ऑल, मिस यू ऑल।